एलियनों द्वारा इंसानों का अपहरण। मैं जानता हूं कि ये ऐसी घटनाएं हैं जिन पर विश्वास करना आसान नहीं। ये कहानियां लॉजिकली तो सच नहीं लगती, लेकिन इन घटनाओं की सत्यता को भी नहीं नकारा जा सकता। जानेंगे उन रहस्यमय घटनाओं के बारे में जिनको एलियनों से जोड़ा गया। क्या ये घटनाएं सच हैं या झूठ, ये आप वीडियो को पूरा देखकर मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये एलियन एबडक्शन का सबसे प्रसिद्ध और कॉन्ट्रोवर्शियल केस है। बात 5 नवंबर 1975 की है। ट्रेविस वॉल्टन और उसके साथ 6 कोवर्कर्स एरिजोना के जंगलों में काम कर रहे थे। दिन भर जंगल में काम करने के बाद सभी लोग लगभग शाम के 6 बजे अपने ट्रक में सवार होते हैं। अंधेरा हो चुका था। जब वो अपने घर वापस जा रहे थे तो उन्होंने पेड़ों के पीछे चमकती हुई एक अपरिचित तेज रोशनी देखी। पहले तो उन लोगों को लगा कि जंगल में आग लग गई है, लेकिन जब वो रोशनी की वजह जानने के लिए उसके पास गए तो वो एक अनजान सी चीज देखकर हैरान हो गए। उन्होंने लगभग 8 फीट चौड़े और 20 फीट ऊंचे ऑब्जेक्ट को देखा था जो गोलाकार था और आसमान में उड़ रहा था। उन्होंने हैरान होकर ट्रक को वहीं रोक दिया, लेकिन जैसे ही ट्रक रुका तब तक वॉल्टन जिज्ञासावश उस ऑब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए ट्रक से बाहर निकल गया और उस ऑब्जेक्ट की ओर भागा, जिससे वो उसको नजदीक से देख पाए। देखते ही देखते एक ब्लू लाइट बीम ट्रेविस के पास आई और उसने ट्रेविस को हवा में लगभग 10 फीट ऊपर उछाल दिया। वॉल्टन उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। वॉल्टन के क्रू को लगा कि वॉल्टन मारा जा चुका है और डर की वजह से वो सभी लोग वॉल्टन को वहीं छोड़ वहां से भाग निकले। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने अपना ट्रक रोका और उन्होंने सोचा कि वो वॉल्टन को इस तरह से जिंदा या मरा नहीं छोड़ सकते। उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर ना तो ट्रेविस वॉल्टन था और ना ही वो अनजान ऑब्जेक्ट। वो जल्दी से शहर की तरफ दौड़े और इस घटना के बारे में पुलिस को इत्तला किया। वो सभी लोग अस्त व्यस्त और भयभीत लग रहे थे। जब वो पुलिस को लेकर घटना स्थल पर पहुंचे और पुलिस ने वहां पर तहकीकात की तो उन्हें उस अनजान ऑब्जेक्ट और वॉल्टन का कोई भी ट्रेस हाथ नहीं लगा। कुछ देर छानबीन के बाद पुलिस ऑफिसर ने निर्णय लिया कि अगले दिन एक बड़े स्केल पर सर्च अभियान चलाया जाएगा। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो खोजी दल एक बड़े स्केल पर खोज में जुट गए। वो सर्च अभियान इतना बड़ा था कि एरिजोना स्टेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन बना। खोजी दलों ने जंगल की खाक छान मारी, लेकिन उनके हाथ कोई भी सबूत नहीं लगा। छानबीन के बाद पुलिस ने वॉल्टन के सभी क्रू मेंबर्स को शक के दायरे में लिया और उनसे पूछताछ करना शुरू कर दी। अब पुलिस को लग रहा था कि वॉल्टन के क्रू में से किसी ने या तो अनजाने में या जानबूझकर वॉल्टन को मार दिया है और उसकी बॉडी को जंगल में ही कहीं गाड़ दिया है और UFO से इस बात को जोड़कर पर्दा डाल रहे हैं। पुलिस ने सभी 6 लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया और उनमें से 5 ने लाई डिटेक्टर टेस्ट को पास कर लिया, लेकिन एक व्यक्ति को मशीन ठीक से पढ़ नहीं पाई। लाई डिटेक्टर टेस्ट को पास करने के बाद भी वो लोग शक के दायरे में बने रहे। इस घटना को 5 दिन बीत चुके थे और 10 नवंबर 1975 को वॉल्टन की सिस्टर ने एक फोन कॉल रिसीव किया और उस फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि वो फोन कॉल खुद ट्रेविस वॉल्टन ने किया था। वॉल्टन ने फोन पर बताया कि वो एक गैराज के पास पड़ा है और उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो वहां कैसे पहुंचा। जब उसकी फैमिली वॉल्टन को गैराज से पिकअप करके लाई तो वॉल्टन को पता ही नहीं था कि इस घटना को 5 दिन बीत चुके हैं। जब सभी ने वॉल्टन को लाइट की चपेट में आने के बाद बीती हुई घटना को याद करने को कहा तो वॉल्टन ने बताया कि जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक हॉस्पिटल में हूँ। मैं टेबल पर लेटा हुआ था। जब मैंने फोकस किया तो मैंने वहां पर 3 जीवों को देखा। वो बहुत ही अजीब थे। वे इंसानों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। वे लगभग 5 फीट लंबे थे और उन्होंने टाइट फिटिंग जैसा कुछ पहना हुआ था। उनकी स्किन एक मशरूम की तरह वाइट थी। वॉल्टन ने आगे बताया कि वो बहुत ही घबरा चुका था और उसने पैनिक में अपने पास पड़े एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब को उठाकर उन पर हमला करने की कोशिश की। ऐसा देख वो तीनों क्रिएचर पीछे उठ गए और उसे रूम में अकेला छोड़ गए। थोड़ी ही देर बाद रूम में एक चौथा व्यक्ति प्रवेश करता है, लेकिन वो पहले वाले 3 से बिल्कुल अलग दिख रहा था। वो देखने में लगभग इंसानों की ही तरह था,
लेकिन उसने एक ट्रांसपेरेंट हेलमेट पहन रखा था। वो व्यक्ति शांत स्वभाव का लग रहा था और वो उसे बगल वाले कमरे में ले गया। वॉल्टर ने आगे बताया कि वहां पर कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी लगी हुई थी, जिसके एक साइड में कुछ बटन थे और दूसरी साइड में एक लीवर था। वो व्यक्ति मुझे अचानक कमरे में छोड़ गया। मैं वहां पर मौजूद बटन्स के साथ खेलने लगा और उन्हें दबाने लगा। जैसे ही मैंने लीवर को पुश किया, वैसे ही बाहर का नज़ारा बदलने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं मूव कर रहा हूँ। मुझे समझ आ चुका था कि हम एक स्पेसशिप में हैं, और अचानक चीज़ें फिर से धुंधली हो गईं और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वॉल्टर ने आगे बताया कि जब उसकी आंखों के सामने से अंधेरा छटा, तो उसने पाया कि वो एक गैराज के सामने रोड पर पड़ा है और उसे स्पेसक्राफ्ट की जाते हुए एक झलक दिखाई थी। हालांकि वॉल्टन की इन बातों पर पुलिस अधिकारियों को विश्वास नहीं हुआ। वॉल्टन के द्वारा बताई गई बातें ऐसी प्रतीत हो रही थीं कि वो एक मनगढ़ंत कहानी बता रहा हो। इस घटना के कुछ दिन बीत जाने के बाद जो लोग वॉल्टन को करीब से जानते थे, उन्होंने वॉल्टन के उस हादसे के बाद से उसके स्वभाव में बदलाव महसूस किया। वॉल्टन सच कह रहा था या झूठ, इसका पता पॉलीग्राफ टेस्ट से ही किया जा सकता था। आपको बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट के द्वारा साइकोलॉजिकल परीक्षण किया जाता है, जिसमें ब्लड प्रेशर, पल्स, स्किन कंडक्टिविटी इत्यादि की छोटी से छोटी हरकतों को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके द्वारा पेशेंट की मनोस्थिति का पता चलता है। एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने वॉल्टन का पहला लाई डिटेक्टर टेस्ट किया। उस पॉलीग्राफ टेस्ट ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को सेटिस्फाइड नहीं किया। इस वजह से पहले टेस्ट में मिले नतीजों को इन्वेस्टिगेटर ने पब्लिश नहीं किया। इन्वेस्टिगेटर ने कुछ दिन बाद वॉल्टन का एक और पॉलीग्राफ टेस्ट लिया, जिसको वॉल्टन ने बड़े ही आसानी से पास कर लिया और उसके रिजल्ट को लोगों के सामने पब्लिश किया। धीरे धीरे इस केस को पब्लिसिटी मिलने लगी और ये एक महत्वपूर्ण अपहरण की घटना बन गई। जैसे जैसे ये केस फेमस होता जा रहा था, वैसे वैसे वॉल्टन को नए नए टेस्टों से गुजरना पड़ रहा था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वॉल्टन हर एक पॉलीग्राफ टेस्ट को आसानी से पास करता जा रहा था। कुछ लोग वॉल्टन की बातों पर विश्वास करने लगे, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो इतने पॉलीग्राफ टेस्ट होने के बावजूद भी सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वॉल्टन झूठ बोल रहा है और उसका किसी एलियन ने अपहरण नहीं किया। लेकिन सवाल ये था कि अगर ट्रेविस वॉल्टन का एलियनों द्वारा अपहरण नहीं हुआ था, तो 5 नवंबर 1975 को ऐसा क्या हुआ था? ये केस सुर्खियां तो खूब बटोरा था, लेकिन इस केस का कोई भी ठोस सबूत नहीं था जो ये साबित कर पाता कि वॉल्टन का एलियंस ने ही अपहरण किया था। फिलिप क्लास नाम के एक व्यक्ति थे जिनको वॉल्टन की ये घटना एक मनगढ़ंत कहानी लग रही थी। तो फिलिप क्लास ने वॉल्टन के साथ काम करने वाले एक क्रू मेंबर को, जो उन 6 में से एक था जो इस घटना के जस्मदीद गवाह थे, उसे $10,000 देकर ये कहने को कहा कि वो सबको बताए कि जंगल में ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी थी। आपको बता दूं कि उस समय $10,000 की कीमत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वॉल्टन के उस क्रू मेंबर ने $10,000 लेने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि वो घटना बिल्कुल सच थी और वो झूठ नहीं बोल सकता। फिलिप क्लास ने इस घटना को झूठा बताने के लिए लोगों के सामने एक थ्योरी दी कि वॉल्टन और उसका क्रू जंगल में जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, अगर वो उसे सही तरह से पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ता। इस वजह से वो इस प्रोजेक्ट को छोड़ना चाहते थे, जिससे उन्हें आगे पेनल्टी ना देनी पड़े, इसलिए उन्होंने इस षड्यंत्र को रचा। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि इस घटना के बाद वॉल्टन और उसके क्रू जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उसको टर्मिनेट कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए वो ऐसी कहानी क्यों रचेंगे, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ने के लिए और भी तरीके अपना सकते थे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर ये सब उन सातों लोगों का षड्यंत्र था, तो उन्होंने लाई डिटेक्टर टेस्ट को इतनी आसानी से कैसे पास कर लिया, वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। कुछ यूएफोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो वॉल्टन से बिल्कुल सहमत हैं। उन्हें यकीन है कि वॉल्टन को सच में एलियंस ने ही अगवा किया था। आपको बता दें कि ट्रेविस वॉल्टन ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो एलियन एब्डक्शन का दावा कर रहे थे, बल्कि इससे पहले भी कुछ लोगों के साथ एलियंस के द्वारा अपहरण की घटनाएं घट चुकी थीं। और सबसे पहली घटना को 1961 में अंजाम दिया गया था, जब 19 सितंबर 1961 को
लगभग रात के 10:30 बजे एक कपल बार्नी और बेटी हिल एक ट्रक से जा रहे थे, तब उन्होंने आसमान में चलती हुई एक तेज रोशनी को देखा। बार्नी कार को रोककर कार से बाहर आकर उस रोशनी को देखने लगे। देखते ही देखते वो रोशनी उनके पास आ गई। वो डर की वजह से कार में बैठे और घर की ओर भागने लगे, लेकिन उन्होंने एक चीज नोटिस की कि उन्हें घर पहुंचने में कुछ ज्यादा ही समय लगा, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्हें पता भी नहीं चला कि उन्हें इतनी देर कहाँ लग गई। वो इस सब को इत्तेफाक समझ सोने चले गए, लेकिन रात को उनके शरीर में दर्द होने लगा और उन्हें अजीबोगरीब सपने आने लगे। अगले दिन वो एक साइकेट्रिक के पास पहुंचे। जब साइकेट्रिक ने उन्हें हिप्नोटाइज करके बीती हुई घटना के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि अजीब तरह के दिखने वाले जीवों ने उनका अपहरण किया था और उन पर कुछ मेडिकल टेस्ट किए थे। बार्नी ने बताया कि उन जीवों ने उनके बालों और नाखूनों के सैंपल्स भी लिए। उन्होंने एक स्टार सिस्टम को भी ड्रॉ किया जो एलियंस ने उन्हें दिखाया था। पहले तो ये बात सबको मनगढ़ंत कहानी लगी, लेकिन ये बात सुर्खियों में तब आने लगी जब वैज्ञानिकों ने ऐसे ही एक स्टार सिस्टम को खोज निकाला जो बार्नी ने ड्रॉ किया था। तो क्या उन दोनों का सच में एलियंस ने ही अपहरण किया था? ऐसी ही एक घटना 20 मार्च 1988 को घटी। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ डकोटा के प्रोफेसर जॉन सेल्टर और उनका बेटा ट्रक से जा रहे थे। वो लोग एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। शाम के करीब 6:30 बजे के आसपास उनके साथ एक अजीबोगरीब घटना घटी। वो ये कि वो लोग उत्तर दिशा में जा रहे थे, लेकिन बातों ही बातों में उन्हें पता भी नहीं चला कि कब वे दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गए। वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर उनके साथ वो घटना कैसे घटी। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और वो फिर से उत्तर दिशा की ओर मुड़े, लेकिन जब तक उन्होंने गाड़ी को उत्तर दिशा की ओर मोड़ा, तब तक वो दक्षिण दिशा में बहुत दूर तक चले आए थे। रात हो जाने की वजह से उन्होंने उस रात ट्रक में ही सोने का विचार बनाया। सुबह जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उनके ऊपर एक गोल डिस्क उड़ रही है, और देखते ही देखते वो डिस्क बहुत दूर चली गई। इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी चालू की और अपने घर चले गए, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचे तब उनका सिर बहुत तेज से दर्द करने लगा और उन्हें कुछ कुछ याद आने लगा। उन्हें याद आया कि करीब 5 फीट लंबे अजीबोगरीब जीवों ने उनकी नाक में इंजेक्शन लगाया और उनके गले में भी एक इंजेक्शन लगाया। उसके बाद वो एक डॉक्टर के पास गए। जब डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो पाया कि उनके गले और नाक में इंजेक्शन के निशान थे। डॉक्टर ने उनको अपनी निगरानी में रहने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने नोटिस किया कि उनके बाल और नाखूनों के बढ़ने की गति सामान्य से लगभग 2 गुना थी। जॉन का बेटा भी बहुत तेजी से ग्रो करने लगा और उसकी हाइट सामान्य से ज्यादा ग्रो कर रही थी। तो क्या उन एलियंस ने उन पर कोई परीक्षण किया था? खैर, कुछ लोग मानते हैं कि ये एक मनगढ़ंत कहानी थी, तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि जॉन सेल्टर एक जाने माने प्रोफेसर थे, तो भला वो ऐसी अफवाह क्यों फैलाएंगे। ऐसी ही एक घटना 9 नवंबर 1979 को घटी। रॉबर्ट टेलर नाम का एक व्यक्ति जंगल का इंस्पेक्शन कर रहा था। जब 9 नवंबर को वो इंस्पेक्शन के लिए जंगल में गए, तो उन्होंने अचानक जंगल में एक ऐसी जगह देखी जैसी उन्होंने उस जंगल में पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने देखा कि पेड़ गायब हो चुके हैं। तभी उन्हें एक UFO दिखाई दिया और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को जमीन पर लेटे हुए पाया। उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की तो उनके मुंह से किसी भी प्रकार की आवाज नहीं निकल पा रही थी। वो डरे हुए अपनी कार के पास आए और उसको स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। साथ ही कार का कम्युनिकेशन सिस्टम भी खराब हो गया। जैसे तैसे वो अपने घर पर पहुंचे। जब वो अपने घर पहुंचे तो उनकी वाइफ ने नोटिस किया कि उनके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर जगह जगह रेड स्पॉट थे, लेकिन उनके साथ ऐसा क्या हुआ था ये उनको खुद को भी याद नहीं आ रहा था। रॉबर्ट ने इस घटना के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के लिए जंगल में उसी जगह पर पहुंची जहां रॉबर्ट के साथ वो घटना घटी थी। उन्होंने वहां पर कुछ नोटिस किया कि वहां पर घास कुछ एरिया में जली हुई थी, लेकिन घास को जलाने वाली कोई भी चीज वहां कैसे पहुंची उसके उन्हें कोई भी ट्रेस नहीं मिले। आखिर रॉबर्ट टेलर के साथ उस दिन ऐसा क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता, और ये बात तो खुद रॉबर्ट टेलर भी नहीं जानते कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ था, लेकिन लोग इसे एलियन एबडक्शन की घटना बताते हैं।
13 अगस्त 1975 को अमेरिकी एयरफोर्स के एक नौजवान सार्जेंट चार्ल्स एल मूडी के साथ ऐसी ही एक घटना घटी। सार्जेंट चार्ल्स शहर से बहुत दूर खुले आसमान के नीचे मीटियोर शावर को देख रहे थे। समय लगभग रात का 1 बज रहा था। आसमान का सुंदर नजारा देखते देखते उन्होंने देखा कि एक उड़न्त स्त्री वॉबल करते हुए उनके पास आ रही है। घबराकर चार्ल्स ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसको चालू करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का इंजन चालू नहीं हुआ। देखते ही देखते उस यूएफओ में से तेज रोशनी निकली, जिसकी चपेट में चार्ल्स आ गए और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उनकी आंख खुली तो यूएफओ जा चुका था। घबराए हुए चार्ल्स ने जल्दी से अपनी कार स्टार्ट की तो इस बार उनकी कार चालू हो गई और वो अपने घर की ओर चलने लगे। लेकिन जब उनका ध्यान घड़ी की ओर गया तो घड़ी में 3 बज रहे थे, जबकि वो यूएफओ लगभग 1 बजे आया था। चार्ल्स कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इतना समय कहाँ गुजर गया। चार्ल्स अपने घर आ गए और सब कुछ नॉर्मल तरीके से गुजर रहा था। इस घटना के कुछ दिन बाद चार्ल्स ने नोटिस किया कि उनकी बॉडी पर कुछ निशान दिखने लगे। इसके बाद वो एक डॉक्टर के पास गए और उन्होंने अपने साथ घटी सारी घटना डॉक्टर को बता दी। डॉक्टर ने सच जानने के लिए चार्ल्स को हिप्नोटाइज किया तो उन्होंने डॉक्टर को बताया कि जब वो तेज लाइट उनके ऊपर पड़ी तो उनकी बॉडी सुन्न हो गई और 2 अजीबोगरीब दिखने वाले प्राणी उन्हें उठाकर ले गए। उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर कुछ परीक्षण किए और उसके बाद वो उन्हें वहीं छोड़ गए। हिप्नोटाइज प्रोसेस के द्वारा उनकी मेमोरी तो वापस आ चुकी थी, लेकिन वो जो बता रहे थे वो घटना विश्वास करने के लायक नहीं थी। इस वजह से चार्ल्स का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया, लेकिन चार्ल्स ने उस लाई डिटेक्टर टेस्ट को भी आसानी से पास कर लिया। दोस्तों, एलियन एबडक्शन की ऐसी ही और भी घटनाओं का लोग दावा करते हैं, लेकिन इन सभी घटनाओं में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। ना ही इन घटनाओं के पीछे कोई भी ठोस सबूत मिलते हैं जो इन घटनाओं को वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध कर पाएं। लेकिन इन घटनाओं को नकारने के भी कोई सबूत नहीं मिलते, क्योंकि जिन लोगों ने ऐसी घटनाओं का अनुभव किया है उनको कई टेस्टों से गुजरना पड़ा है और उन्होंने उनको बखूबी पास किया है। तो सच क्या है ये तो वही लोग जानते हैं जो इन घटनाओं का दावा करते हैं। आपके इन घटनाओं के बारे में क्या विचार हैं, प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।